सत्यवती से मिलने के बाद महाराज शांतनु दाशीराज के पास विवाह करने का निमंत्रण लेकर पहुँचे, लेकिन दाशीराज ने महाराज शांतनु के समक्ष एक शर्त रख दी। सत्यवती की पहली संतान ही हस्तिनापुर पर राज्य करे, लेकिन शांतनु को ये शर्त स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर का राजा तो देवव्रत को बनाने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते महाराज सत्यवती से शादी का प्रस्ताव वापस लेकर आ गए। लेकिन सत्यवती की सुंदरता को देखकर महाराज शांतनु इस कदर मोहित हो गए कि वे पल पल सत्यवती के बारे में ही सोचने लगे। जब इस बात की खबर देवव्रत को हुई तो उन्होंने दाशीराज से मिलने का निर्णय लिया और उसकी झोपड़ी में पहुंचे, जहां दाशीराज ने उनसे भी वही शर्त रखी। देवव्रत ने दाशीराज से वादा किया कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर पर राज्य करेगी, लेकिन दाशीराज ने फिर से प्रश्न उठाया कि आप तो अपने ऊपर विराम लगा सकते हो, लेकिन आपकी संतान यह कभी स्वीकार नहीं करेगी। और तभी देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वे सदा ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म हुआ।